दोस्तों मुझे काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुझे आपके तरह बॉडी बनानी है, लेकिन मेरे पास वर्कआउट करने का टाइम बिल्कुल ही नहीं है। तो यार ये बिल्कुल ही एक एक्सक्यूज होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे अभी कहीं निकलना था 10 मिनट्स के अंदर, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मुझे वर्कआउट भी करना है। और आप ये देख सकते हो बाहर में कसकस के बारिश होने लग गई। सो यस, ये बारिश कम से कम 15 से 20 मिनट जो होने वाली है, और 15 से 20 मिनट भी मेरे लिए काफ़ी है। तो यार ये मत सोचो कि आपके पास जो है टाइम नहीं है वर्कआउट करने का, ऐसा बिल्कुल ही मत सोचो। आपको बस अगर आपको 20 मिनट 25 मिनट भी अगर टाइम मिलता है तो उस टाइम दोस्तों वर्कआउट करो। और अब तो शायद आधा घंटा चलेगा, देख रहे हो कितना कसके हो रहा है। तो गाइस आपके पास जितना भी टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करो और वर्कआउट करो। अब ये मत सोचना कि मुझे एक घंटा ही चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। जैसे आज मैं 15 से 20 मिनट में वर्कआउट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे अपर बॉडी को हिट करने, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट ही है। तो मैं ज़्यादा इक्विपमेंट से मैं वर्कआउट नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं डंबल्स के साथ मैं वर्कआउट करने वाला हूँ। सो अगर आपके पास अगर डंबल है तो ये आप भी जो है परफॉर्म कर सकते हो। सो हम लोग आ गए हैं घर के अंदर, और आप दोस्तों देख सकते हो कि मैंने अपने ड्रेस को भी नहीं चेंज किया है क्योंकि मुझे तुरंत ही अभी निकलना है। तो दोस्तों मैं इसी ड्रेस में मैं वर्कआउट करने वाला हूँ। अगर आप अपर बॉडी हिट कर रहे हो तो आपको ट्राउज़र पहनना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप पहन सकते हो। सो आज मैं करने वाला हूँ अपने अपर बॉडी को ट्रेन। अब दोस्तों ये मत सोचना है कि आपके पास जो टाइम कम है तो आपको जो वार्म अप नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं। अगर आपके पास अगर 20 मिनट भी अगर टाइम है तो उसमें से 2 मिनट कम से कम या वार्म अप करो, क्योंकि वार्म अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मुझे अपने टी शर्ट को चेंज करना पड़ा क्योंकि यहाँ वाला उसका बटन जो टूट गया था, तो इसलिए मुझे ये चेंज करके मुझे ये पहनना पड़ा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे वर्कआउट। Walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. बॉडी वर्कआउट का यही फायदा होता है कि आप एक साथ आप काफी सारे मसल को जो आप जो पंप कर सकते हो, और इससे आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे यह तरीका बताया था, ये भाई तेरा जो है ईयरफोन फंस रहा वर्कआउट में, तो ईयरफोन को टी शर्ट के अंदर से लगाओ। सच बता रहा हूँ अभी तक सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही हुआ है, क्योंकि मैं सबका मैं दो दो सेट ही में लगा रहा हूँ, और बहुत ही तगड़ा जो पंप आ रहा है बॉडी में, आप लोग सभी लोग देख भी रहे होंगे। सो ये टाइम के ऊपर मत जाया करो कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप 15-20 मिनट भी आप जो डेली अगर वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। सो गाइज वर्कआउट कम्प्लीट, और मेरे पास अभी कोई भी पोस्ट वर्कआउट मील खाने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे कहीं जाना है। सो अभी मैं ले रहा हूँ एक स्कूप में प्रोटीन, जो कि आप देख सकते हो। और दोस्तों ये प्रोटीन बहुत ही अच्छा है। अगर आपको जानना है कि मैं अभी फिलहाल में कौन सा मैं प्रोटीन को मैं यूज कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप जो नीचे आप जो कमेंट कर सकते हो मैं जरूर से ही वीडियो बनाऊंगा। सो एक वे प्रोटीन होना हम टीनेजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो है ज्यादा टाइम नहीं होता है। हेलो,
देता हूँ। सॉरी गाइज, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जो से करना। मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम कीप हसल फॉर योर मसल।